अधिक प्राप्त करने की प्रक्रिया लेखक यश माकड़ अध्याय चार नकारात्मक नहीं प्रश्नवाचक सोचिए एक विजेता कभी भी दूसरों से हर मामले में बेहतर नहीं सोच सकता वह तो बस दूसरों से सैकड़ों अन्य चीजों में से सिर्फ कुछ के बारे में ज्यादा बेहतर सोचता है इस अध्याय में हम विचारों के साथ लीवरेज के सिद्धांत की शक्ति को शामिल करने का तरीका जानेंगे जिसके कारण कार्य के तरीके में छोटा सा बदलाव करके हम परिणामों में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं लीवरेज की शक्ति अपने आप में एक छुपी हुई ताकत होती है जिसका प्रयोग हमारे निर्धारित लक्ष्य के लिए उन करने वाले कामों में थोड़ा बदलाव करके कर सकते हैं बेहतर परिणाम पाने व अपने लक्ष्य को हासिल करने में इस शक्ति से हम कैसे अपनी मदद कर सकते हैं फिर चाहे यह लक्ष्य हमारे पैसे से संबंधित हो या फिर हमारे निजी जीवन से संबंधित हो इन छोटे छोटे परिवर्तनों को स्थायी बनाने और उनसे बड़े परिणाम हासिल करने में यह हमारी हमेशा मदद करते हैं हमें अपने आप को इस बात के लिए आश्वस्त करना होगा कि हम अपने पिछले बुरे अनुभवों के बारे में कभी भी नहीं सोचेंगे क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं उसमें हर तरह के विचार होते हैं जो यदा कदा हमारे मस्तिष्क में आते रहते हैं जैसे लोगों रिश्तेदारों सोशल मीडिया टीवी और अन्य तरीकों से भी गलत विचार हमारे तक आते हैं जिन्हें हमारा मस्तिष्क जाने अनजाने में ही ग्रहण करता रहता है ज़्यादातर लोग इनसे अनजान ही रहते हैं और वे इस ओर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं कि किस तरह के विचार उनका मस्तिष्क ग्रहण कर रहा है ऐसे लोग हमेशा अपने दुख, दर्द बीमारी बुरे भाग्य और लाचारी की बातें करना बहुत पसंद करते हैं अगर आप इनकी बातें दस मिनट तक लगातार सुन लेते हैं तो आपको लगने लगता है कि इस संसार में दुख के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ हर इंसान आपको कुचलने के लिए ही जन्म लेता है यह एक बिल्कुल बेचारा इंसान बन जाता है यह अपने आप को फिल्मों व धारावाहिक के उस कैरेक्टर से मेल में देखने लगता है जो बेचारा और दबा कुचला इंसान होता है अगर हम भी इस बेचारगी वाली मानसिकता से ग्रस्त हैं तो इससे तुरंत बाहर निकल जाएं। उन विचारों को हमें अपने प्रश्नवाचक प्रश्नों से यह पूछते रहना चाहिए कि क्या यह मेरे और मेरे सपनों की कार्य योजना के लिए ठीक रहेगा या नहीं अगर उत्तर हाँ में हो तो उसका विश्लेषण करके उस विचार को स्थायी बना लें अन्यथा उसे त्याग दें क्योंकि यह हमारा मस्तिष्क है कोई कूड़ेदान थोड़े ही है यह है तो उन सुंदर स्वस्थ ऊर्जावान जुनून और आगे बढ़ने की प्रेरणा से भरपूर विचारों के लिए खुला है जिससे हम अपने सपनों को साकार करने के लिए बौद्धिक संपदा के लिए आरक्षित हैं इसलिए कभी भी बीते हुए दुख दर्द गलत आचार विचार गलत व्यवहार पर ध्यान न देते हुए सकारात्मक रूप से अपने द्वारा चुने गए समृद्धि के राजमार्ग पर आगे बढ़ते रहें लीवरेज का सिद्धांत लीवरेज का मतलब किसी बड़े सपने या कार्य को करने के लिए किसी विचार या तरीके को लीवर की तरह प्रयोग करके कम ताकत से बड़ा परिणाम पाना होता है जैसे किसी बड़े पत्थर को हटाने के लिए पेड़ के किसी लंबे तने का प्रयोग लीवर की तरह करना सबसे आम उदाहरण है उस वजनी पत्थर को बिना लीवर पांच लोगों द्वारा भी उठाना काफी मुश्किल हो सकता है लेकिन लीवर की सहायता से इसे एक इंसान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है दूसरा बेहतर उदाहरण गाड़ियों में पंचर लगाते समय टायर खोलने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले यंत्र जैक को मात्र एक हाथ से लीवर की सहायता से भारी भरकम गाड़ी को उठाने के लिए इसी सिद्धांत की शक्ति का प्रयोग होता है हमारे सकारात्मक चिंतन को प्रश्नवाचक चिंतन में परिवर्तित करके हम लीवरेज के सिद्धांत की शक्ति को विचार शक्ति के साथ मिला लेते हैं तब यह हमारे सकारात्मक विचारों की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है जिससे हमें परिणाम गुणात्मक मात्रा में मिलने लगते हैं जब हम लिवरेज की शक्ति को अपने दैनिक जीवन के कार्यों में लागू करते हैं वैसे ही हम अपने जीवन में एक सकारात्मक प्रक्रिया उत्पन्न करने लगते हैं और कुछ ही दिनों में हम अपने जीवन में पहले से बहुत बेहतर व सकारात्मक बदलाव महसूस करने लगते हैं इन व्यवहारिक विचारों वह कारगर सुझावों को जब हम अपना लेते हैं तब यह हमारी सकारात्मक शक्ति को बढ़ा देते हैं परिणामों की भविष्यवाणी करने की क्षमता हम इंसानों को जानवर से जो गुण अलग करता है वह है भविष्य के बारे में सोचने की ताकत लेकिन हमारे मस्तिष्क पक्षपात की एक लंबी श्रृंखला के शिकार होते हैं जिसे हम पूर्वाग्रह कहें तो बेहतर होगा इनके कारण हमारी परिणामों के बारे में भविष्यवाणी गलत साबित हो जाती है मान लीजिए आज हम जो काम कर रहे हैं उसका हमने एक परिणाम सोचा है लेकिन क्या वह हमें मिलेगा हमारा अनुमान गलत होने का डर परिणाम से ज़्यादा खतरनाक होता है जो इंसान कुछ अलग करना चाहता है वह संसार को वैसा देखना चाहता है जैसा वह पहले कभी नहीं था हमारा मस्तिष्क हर समय परिणामों के बारे में अविश्वसनीय रूप से लगभग हर चीज के बारे में अनुमान लगाने में अव्वल होता है लेकिन जब हमारे वास्तविक परिणाम हमारे मस्तिष्क द्वारा सोचे गए परिणामों से मेल नहीं खाते तब हम यह सोचकर आश्चर्यचकित होते रहते हैं कि यह क्या हो रहा है हम स्वाभाविक रूप से दीवा स्वपन देखना पसंद करते हैं क्योंकि हमें सपनों का आनंद लेने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है जैसा कि पहले कहा गया है कि हमें भविष्य का अनुमान लगाने से डर नहीं लगता बल्कि जब हम अपने भविष्य को बुरा देख रहे होते हैं तब यह और ज्यादा खतरनाक स्थिति होती है इंसानों की सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक प्रबल इच्छा यह होती है कि चीजें जो गठित हो रही हैं उन पर उसका नियंत्रण होना चाहिए जब हम इस नियंत्रण को अपने हाथों में ले लेते हैं तब हम अपने जीवन पर नियंत्रण पा लेते हैं और अपने जीवन को खुशियों से भर देते हैं हमारे मस्तिष्क की सोचने विचार करने की शक्ति ही वह एकमात्र प्रणाली है जो हमें इस बात की अनुमति देती है कि हम अपने भविष्य को कैसा बनाना चाहते हैं हम उसे महसूस कर सकते हैं यही वह अहम वजह है जिससे इंसान जानवरों से अलग पहचान रखता है लेकिन भविष्य के बारे में अनुमान लगाने की शक्ति में कुछ कमी होती है आइए इसे जानते हैं नंबर एक अनुमान लगाने में पहली कमी यह है कि इसमें अनावश्यक विचार हमारे विचारों के साथ कब जुड़ जाते हैं इस बात का हमें आभास तक नहीं होता नंबर दो हमें लगता है कि हमारी कल्पनाओं में जो भविष्य है वह वर्तमान और भूतकाल की तुलना में वास्तव में ज्यादा बेहतर है या होने वाला है नंबर तीन हम यह अनुमान लगाने में असफल रहते हैं कि चीजें जब वास्तव में घटित होती हैं तब वे ज्यादातर बार हमारे अनुमान से बहुत अलग होती हैं हम यह भली भांति जानते हैं कि हम जो महसूस कर रहे हैं वैसा कोई दूसरा नहीं कर सकता यानी इसे आम बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि जिसे चोट लगी है दर्द वही महसूस करता है इसी तरह यदि हम अपने अंदर होने वाले किसी बदलाव से अनजान रहते हैं तो हम अपने आप में हुए बदलाव को कभी जान ही नहीं पाएंगे यानी महसूस भी नहीं कर पाएंगे नैसर्गिक तौर पर हमारे मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग इस तरह से हुई होती है कि हम बदलाव को याद रखने और उसे पहचानने के लिए अपनी यादों पर भरोसा करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी यादें काफी दोषपूर्ण होती हैं इस तरह अगर हम खुशी के बारे में बात करें तो यह कोई नहीं जानता कि दूसरों के लिए वह कौन सा पल होगा जिससे वे खुशी महसूस करेंगे हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि हम जिस वजह से खुश हो रहे हैं उससे दूसरा भी उसी स्थिति से खुश होगा हो या परेशान होगा क्योंकि अनुभव और जागरूकता एक दूसरे के निकट संबंधी है लेकिन एक समान नहीं है अनुभव हमें एक घटना में भाग लेने को दर्शाती है जबकि जागरूकता का मतलब उस घटना की जानकारी होती है मनोविज्ञान हमेशा अपूर्ण होता है क्योंकि हम किसी और के व्यक्तिपरक अनुभव का निरीक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि हर किसी के अनुभव अलग अलग होते हैं एक दूसरे के अनुभव को कभी महसूस भी नहीं किया जा सकता है हमारे दिमाग रोजाना बहुत सी भिन्न प्रकार की जानकारी अपने अंदर भरते रहते हैं हमें जो बहुत तरह के अनुभव होते हैं मस्तिष्क उन्हें भी स्टोर करता रहता है जिससे हमारे भविष्य के बारे में अनुमान प्रभावित होते रहते हैं हम उन चीजों के बारे में धारणा बनाते हैं जो हम पिछले अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हैं हमारे पूर्वाग्रह भी हमारे अनुमानों को प्रभावित करते रहते हैं इसी वजह से जब हम भविष्य की कल्पना करते हैं तो हम अक्सर अपने मन की आंखों के बंद स्थान से करते हैं हमें एक उद्यमी के तौर पर अपने द्वारा किए गए कामों के बारे में सटीक परिणामों का अनुमान लगाने की कला अपने अंदर विकसित करनी बेहद आवश्यक है हमें अभी से हमारे मस्तिष्क की नैसर्गिक आदत की प्रोग्रामिंग को बदलना है जैसे जब हम दूर के भविष्य की कल्पना करते हैं तो हम सामान्य विवरणों पर गौर करते हैं और जब हम निकट भविष्य में जैसे कल होने वाली चीज़ों की कल्पना करते हैं तब हम ठोस और सटीक विवरण सोचते हैं जैसे कल सुबह दस बजे मुझे श्री आयुष्मान से उनके घर पर मिलना है और उन्हें इस परियोजना के बारे में वे सभी जानकारियां देनी है जिससे वे इसके लिए हाँ कर देंगे यह एक सटीक विवरण है ठीक इसी प्रकार या इससे भी बेहतर डिटेल्स हमें अपने दूर के लक्ष्यों के लिए बनाने चाहिए ताकि हम ठीक ठीक अनुमान लगा सकें कि भविष्य में परिणाम क्या होने वाला है इस बारे में हमने विस्तार से अध्याय दो में जाना था हमें यह आदत बनानी होगी कि भविष्य के कार्यों घटनाओं और लक्ष्यों के परिणामों का अनुमान लगाने के लिए ठोस डिटेल्स लिखे जाएं। यह आदत हमें उन खास कामों को करने की स्पष्टता प्रदान करेगी जो हमारे लिए विशेष तौर पर करने लायक होंगे यह हमें अपने सपनों की स्पष्ट तस्वीर पूरी तरह से और सटीकता से दिखाएगी यह आदत हमें भविष्य के बारे में स्पष्ट कल्पना और अनुमान लगाने के लिए मजबूर करेगी यह आदत हमें स्वपन कला में पारंगत बनाएगी जहां हम सकारात्मक और प्रश्नवाचक सोचने के लीवरेज सिद्धांत द्वारा भविष्य की वह स्पष्ट तस्वीर बना सकते हैं जैसा हमने सपना देखा है अपने शब्दों पर ध्यान दें हमें हमेशा अपने द्वारा बोले गए या सोचे गए शब्दों विचारों पर ध्यान देना चाहिए और हमें यह पता रहना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं या क्या बोल रहे हैं हमें कभी भी यह नहीं कहना चाहिए कि मैं यह नहीं कर सकता बल्कि इसकी बजाय हम इस तरह कहे या सोच सकते हैं कि मैं इसे किस तरह कर सकता हूं पहले में हम अपने दिमाग को सोचने की प्रक्रिया से रोक देते हैं जो आलस नकारात्मकता और कायरता की निशानी है और दूसरे तरह के शब्दों या विचारों से हम अपने दिमाग को एक्शन में ले आते हैं और उसे आदेश देते हैं कि सोचो विचार करो कि आखिर इसे कैसे कर सकते हैं यह है एक एक्टिव सकारात्मक और निडरता का भाव पैदा करता है इस तरह के विचारों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो हमें कुछ करने की प्रेरणा देता है हमें संकल्पवान बनाता है जिस तरह हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है उसी प्रकार हमारे दिमाग को भी व्यायाम की आवश्यकता होती है जब हम प्रश्नवाचक सोचते हैं तब दिमाग एक्टिव हो जाता है जिससे इसका व्यायाम होता है हमें अपने विचारों पर हमेशा ध्यान देना होगा कि हम अपने आप से व दूसरों से बात करते हुए कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे कोई पूछे कि कैसा चल रहा है तो आपके पास दो विकल्प होते हैं एक तो आप यह कह सकते हैं कि बस चल रहा है या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया चल रहा है एक उदाहरण और देखें कि मान लीजिए आपको कोई नई ऑनलाइन सेल्स की स्किल सीखने के लिए कोर्स ज्वाइन करना है परंतु इसकी फीस फिलहाल आपके पहुंच से ज्यादा है तब आपको यह कहने की बजाय कि मैं यह कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकता बल्कि आपको कहना चाहिए कि मैं इसे कैसे ज्वाइन कर सकता हूं फिर देखिए आपका दिमाग इसे संभव बनाने के तमाम तरह के विकल्पों पर विचार करेगा कुशाग्र बुद्धि का मतलब होता है कि आपका दिमाग एक समस्या के कितने तरह के समाधान खोज सकता है आप एक समस्या के जितने ज्यादा प्रकार के समाधान खोज सकते हैं आप उतने ही ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि होते हैं सफल लोग इस तकनीक का दीवानगी की हद तक प्रयोग करते हैं लेकिन इसका मतलब यह है बिल्कुल नहीं है कि हमारा चाहे जिस चीज पर दिल आ जाए उसी के पीछे लग जाए आपका मस्तिष्क जितना ज़्यादा तेज गति से समाधानों को सोच सकता है आप उतना ही ज़्यादा पैसा बनाएंगे जैसे शरीर के सही व्यायाम से हम ज्यादा स्वस्थ होते हैं और दिमाग के सही व्यायाम से हम ज़्यादा अमीर बनते हैं लेकिन आलस से हम स्वस्थ व धन दोनों को गवा देते हैं सकारात्मकता को स्थायी रखने के लिए हमेशा किसी को आदर्श बनाना चाहिए हमेशा उसी से सीखें जो उस शिक्षा से खुद वह लक्ष्य पा चुका हो या कम से कम उस राह पर चल रहा हो जिस पर आप चलना शुरू कर रहे हैं क्योंकि अगर हम नदी को तैर कर पार करना सीखना चाहते हैं तब हमें उस इंसान से सीखना एक महंगा सौदा साबित हो सकता है जो कभी नदी के उस पार गया ही न हो बल्कि उससे सीखना बेहतर होगा जो उस पार सफलतापूर्वक गया हो और अगर कई बार गया हो तो बहुत बढ़िया है हाँ लोग किनारे पर खड़े होकर आपको उस पार जाने का ढेर सारा ज्ञान दे सकते हैं योजना बता सकते हैं परंतु उनकी योजना एकदम सटीक हो इस बात की वे गारंटी नहीं दे सकते हमें सफलता की राह पर चलने वाला इंसान ही सकारात्मक व प्रश्नवाचक सोच को विकसित करने में सहायक हो सकता है तत्काल फैसला करने की योग्यता विकसित करें हमारा दिमाग जब समाधान सोचने लगता है तब हमारी तत्काल फैसला करने की क्षमता का विकास होने लगता है इसके बिना हम हमेशा सही मौके को गंवा देंगे क्योंकि सही मौके आते हैं और चले जाते हैं लेकिन हम तत्काल फैसला करने की क्षमता के बिना उनका फायदा उठाने से वंचित हो जाते हैं यह एक महत्वपूर्ण कला है अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इसे सीखना बेहद आवश्यक है तत्काल फैसला न लेने की आदत वहीं पाई जाती है जहां नकारात्मक चिंतन व आलस ज्यादा हावी होता है इसके कारण दिमाग अपना काम करना बंद कर देता है वह हमारी भावनाएं ज्यादा सक्रिय रूप धारण कर लेती है हमारी सोच भावनाओं के वश में होकर उन मौक़ों को गवा देती है जो हमारा भविष्य संवारने वाले होते हैं बहुत बार हमें यह पहचान करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि कौन सी भावनाओं का आदर करना चाहिए और कौन सी भावनाओं का तिरस्कार करना चाहिए हमें जो चाहिए उसके बारे में हम बरसों तक केवल सोचते रहते हैं लेकिन उसे पाने के लिए शुरुआत नहीं कर पाते अपने आसपास नजर दौड़ाने से हम देख पाएंगे कि जिन फोटोग्राफरों ने समय के साथ साथ अपने यंत्रों कौशल और तकनीक को अपडेट किया है वे आज भी इस क्षेत्र में बहुत सारा धन कमा रहे हैं लेकिन जिन्होंने अपने दिमाग को इस क्यों का सवाल नहीं खोजने दिया कि मेरी आमदनी और ग्राहक कम क्यों हो रहे हैं बाहर ऐसे क्या बदलाव हो रहे हैं जिन्हें मुझे अपनाना चाहिए उन्होंने अपनी पुरानी प्रणाली को समय के साथ अपग्रेड नहीं किया उनमें से ज़्यादातर ने अपना काम बदल लिया होगा या फिर बहुत ही सीमित हो गए होंगे क्योंकि समय ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है यही उन दूसरे सभी लोगों के साथ होता है जो प्रश्नवाचक सोच को नहीं अपनाते हैं उन्हें अपने अंदर बदलाव न करके बाकी पूरे संसार को बदलने के नए नए विचार आते रहते हैं उन्हें वह सब पता होता है कि किसे और कैसे बदलना चाहिए लेकिन उनके अपने में बदलाव करने के लिए दिमाग हमेशा बंद रहते हैं जिन्होंने भी प्रश्नवाचक सोच को अपनाया उन्होंने ही अपने सपनों को जीवंत होते देखा है और उस समृद्धि को पाया है जिसके कभी उन्होंने सपने देखे थे इसी वजह से राइट बंधु हवा में उड़ने का सपना सच कर पाए जिससे आज संसार के लाखों लोग रोजाना एक स्थान से दूसरे स्थान तक हजारों मील की यात्रा मात्र कुछ ही घंटों में सबसे सुरक्षित तय कर पाते हैं इसी सोच का परिणाम है कि हम आज संसार में कहीं भी रियल टाइम वीडियो कॉल से एक दूसरे से बात कर सकते हैं हम पलक झपकते ही डिजिटल डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं प्रश्नवाचक सोच की वजह से ही आज पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों की सैर कर सकते हैं 600 मील प्रति घंटे या उससे भी ज़्यादा गति से हम गाड़ियां चला सकते हैं आज डॉक्टर हजारों किलोमीटर दूर बैठकर दिल का सफल ऑपरेशन कर सकते हैं हमारे जीवन में जो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं उन पर ही रुके रहने की आवश्यकता नहीं है उनके अलावा और भी विकल्प मौजूद हैं हम अक्सर यह महसूस करने में विफल रहते हैं कि हमारे पास यह चुनने की परम क्षमता है कि हम अपने जीवन को कैसे बिताते हैं कैसे कमाते हैं और कैसे खर्च करते हैं नौकरी के बजाय आज पैसे कमाने के कई तरीके और रास्ते उपलब्ध हैं हमें नौकरी में रहने और बिलों का भुगतान करना पसंद नहीं है हमें चूहा दौड़ से बचने पैसे कमाने के तरीके और अधिक विकल्पों के बारे में जानने के लिए प्रयास करने चाहिए ताकि हम अपने भविष्य के निर्माता बने भावनाओं पर अपना नियंत्रण बढ़ाएं। हमें पैसे या किसी भी ऐसी चीज के मामले में भावनाओं पर काबू पाना सीखना जरूरी है जिसे हम बहुत बेसब्री से पाना चाहते हैं हमें सोचने के लिए भावनाओं का प्रयोग करना आना चाहिए न कि भावनाओं के साथ सोचने की आदत को बनाए रखें यद्यपि भावनाओं को काबू करना मुश्किल हो सकता है लेकिन यह संभव है जीवन में ज्यादातर लोग दो भावनाओं भय और इच्छा से प्रेरित होते हैं भय और इच्छा निश्चित रूप से किसी व्यक्ति की विचार प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है जिससे वे अतर्क संगत निर्णय ले सकते हैं आप जिन भावनाओं का अनुभव करते हैं जैसे डर कमजोरियों या किसी और से तो आप किसी सकारात्मक और प्रश्नवाचक विचारों को चुनकर इनका सामना कर सकते हैं बसरते की वे कठिनाइयाँ आपको नियंत्रित करें आप अपनी वित्तीय कठिनाइयों के समाधान खोज लें और उन पर काबू पा लें हमें तब भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए जब हम स्कूल छोड़ देते हैं जब हम अनिवार्य शिक्षा छोड़ते हैं तो ज्यादातर लोग मानने लगते हैं कि उनकी शिक्षा पूरी हो चुकी है जबकि सीखने का कोई अंत नहीं है यदि आप अधिक पैसा कमाना चाहते हैं तो यह सीखने से शुरू होता है ज्यादा आय हासिल करने का एकमात्र तरीका ज्यादा वित्तीय शिक्षा हासिल करना है यह सीखना बेहद आवश्यक है कि कैसे पैसे से अपने लिए काम करवाया जाए क्योंकि वित्तीय ज्ञान के बिना धन जल्दी ही आपके पास से चला जाएगा आइए उन लोगों को देखें जो लॉटरी जीतते हैं उनमें से काफी लोग गरीब होते हैं और फिर अचानक अमीर बन जाते हैं फिर वापस गरीब हो जाते हैं यह केवल वित्तीय ज्ञान के अभाव में होता है कि उनके पैसे पलक झपकते ही चले जाते हैं वेल्थ बनाने में समय और समझ लगती है पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है इसे समझने के लिए समय लगता है इसे सीखने के लिए समय लगाएं अपनी कल्पनाओं को विकसित कीजिए अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करें इंसान ज़्यादातर मामलों में अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग नहीं करता है फिर चाहे वह अपने पक्ष में ही क्यों न हो क्योंकि कल्पना की कमियों में से एक यह है कि यह हमें बताए बिना स्वतंत्रता पूर्वक अपने आप आती है और चली जाती है इसी वजह से हम इस पर अपना नियंत्रण करने में विफल रहते हैं अगर हम अपनी इस शक्ति का उपयोग करते भी हैं तो गलत तरीके से करते हैं हम इसके प्रयोग के समय यह भूल जाते हैं कि भविष्य वर्तमान की तरह ही होगा हर कोई वर्तमान को भविष्य की कल्पना करने और अतीत की यादों को प्रभावित करने के तरीके के रूप में उपयोग करता है इस प्रकार हमारी यादें और कल्पनाएं सही वास्तविकता की तुलना में अक्सर हमारी वर्तमान स्थिति के ज्यादा निकट होती है अवसाद के समय में जब उदास लोग भविष्य की घटनाओं के बारे में सोचते हैं तो वे उन्हें इस समय पसंद करने की कल्पना नहीं कर सकते हैं बदलाव प्रकृति का नियम है यह जीवन में निरस्ता को कम करता है उत्साह लाता है इसी तरह एक ही काम बार बार करने से हम बोरियत महसूस करने लगते हैं और उत्साह फीका पड़ने लगता है जीवन में विविधता मसाले की तरह काम करती है जैसे डॉक्टर बेहतर इलाज के लिए मरीज के स्थान परिवर्तन यानी किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए कहते हैं इसका मतलब यह है, है। कि कुछ बदलाव करने से स्वास्थ्य में फर्क पड़ता है हमें भी कभी कभी हो सके तो पूरे परिवार के साथ बाहर खाना खाने जाना चाहिए इसके लिए हमेशा एक ही रेस्तरा में जाने की बजाय इसे बदलकर भी हम ऐसा कर सकते हैं क्या परिणामों से हम खुश हैं मुझे लगता है कि भविष्य के परिणाम हमारी खुशी पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं हमारे मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग हमारे अतीत और भविष्य दोनों में काफी हद तक हेर फेर कर देती है जिससे हमारी खुशी की भावना में भी बदलाव हो जाता है लेकिन हमें हर कीमत पर केवल एक ही बुरी चीज से बचना चाहिए वह है कुछ नहीं करना क्योंकि सक्रियता हमेशा असक्रियता को हरा देती है इसलिए कुछ न करने की बजाय कुछ करना बेहतर होता है सक्रियता से खुशी की संभावना को बढ़ाया जा सकता है और अनुमानों के डिटेल्स पर गौर करके इसकी सटीकता को बढ़ाया जा सकता है डेनियल गिलबर्ट ने अपनी आकर्षक और आश्चर्यजनक पुस्तक स्टम्बलिंग ओन हैप्पीनेस में कहा है कि लोग भविष्यवाणी करते समय अपनी पिछली घटनाओं और भावनाओं को याद करते हैं वह इसके आधार पर एक राय बनाते हैं जबकि हमारे दिमाग सटीक परिणामों के लिए आवश्यक डिटेल्स को खोजकर बाहर निकाल सकते हैं जब हम भविष्य के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं तब हम पुरानी भावनाओं का प्रयोग करते हैं जो ज़्यादातर बार गलत होती है यह ऐसी जानकारी होती है जो हमारी राय को पुष्ट करती है ताकि हम अपने वातावरण में यथास्थिति की तुलना में परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाए इसके अलावा जब हम किसी ऐसी चीज की कल्पना करते हैं जिसे हम भविष्य में पाना चाहते हैं तो हम उसके सभी बारीक डिटेल्स पर प्रकाश डालते हैं और उस अनुमान के अधिक सामान्य विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं यह ठीक है यदि हमने इस तरह की आदत को अपना लिया है जिन चीजों से हम खुश होने की उम्मीद करते हैं वे हमें निराश कर सकती हैं दुखी परिणाम हमें जीवन के लिए हमारी उम्मीदों को समायोजित करने के लिए स्थिति को फिर से परिभाषित करने का हौसला भी दे सकती है ताकि हम इसे और अधिक सुखद महसूस कर सकें यदि आप खुश स्वस्थ धनी और बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो अपनी वर्तमान दुख की प्रोग्रामिंग को बदल लें भविष्य की घटनाओं के दौरान खुशी का अनुमान लगाने का सबसे अच्छा तरीका उन लोगों के साथ बात करना है जिन्होंने पहले से ही उसी अपनी प्रोग्रामिंग को बदल लिया है यद्यपि हम अनुभवी लोगों के अनुभव का उपयोग करने में असमर्थ महसूस करते हैं जो अपनी इच्छाधारी सोच के द्वारा भविष्य की खुशी और दौलत का एक बेहतर भविष्य वक्ता है तो हमारे लिए यह सही नहीं है हमने पहले ही इस बारे में बात की है कि हमें उन्हीं लोगों से सलाह लेनी चाहिए जो नदी के उस पार पहुंच चुके हैं हम अपने सपने पहचान चुके हैं उन्हें क्यों पूरा करना है इस बारे में भी हम जान चुके हैं हमने यह भी देख लिया है कि हम अपने सपनों की कार्य योजना बनाते समय परिणाम के बारे में ठीक ठीक पूर्वानुमान भी लगाना सीख लिया है अगले अध्याय में हम यह जानेंगे कि अपनी कार्य योजना को लागू करने और उसके लिए फैसला करने के लिए कैसे हम अपनी भावनाओं की बजाय अपने दिमाग का प्रयोग कर सकते हैं ताकि हमारे फैसले भावनात्मक न होकर बुद्धिमानी से लिए फैसले साबित हो सकें धन्यवाद हिंदी .com, आपका दिन शुभ हो